जय श्री कृष्णा। गीता धाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज नाइन्थ क्लास में संस्कृत के लृट लकार के बारे में अध्ययन करेंगे। लृट लकार, लृट लकार, लृट लकार यानी भविष्यत काल। भविष्यत काल लृट लकार यानी भविष्यत काल, ये लकार नंबर 3। पुरुष एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में अब रूप लृट लकार भविष्यत काल, धातु पट धातु का लिखेंगे। किस धातु का लिखेंगे? पट धातु। पट धातु का रूप लिखना है। पट यानी पढ़ना, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ये हो गया आपका लृट लकार का रूप। तो लृट लकार में देखो भविष्यत काल है। लृट लकार का मतलब पट धातु का रूप लिखा हुआ है। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत्, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम। ये जो लृट लकार का रूप है, ये जो आप लट लकार रूप आपने याद किया है, लृट लकार का ही जैसा रूप है। जैसे लृट लकार में क्या था? पटती था। अंतर देखो, क्या था? पटती शब्द था। अब पटी, पटती, तो यहां पर क्या है? अंतर यह है कि जो लृट लकार का रूप लिख रहे हैं, इसके अंदर इसी शब्द लग रहा है। क्या लग रहा है? बीच में इसी लग रहा है। अब यहां पट लिखा हुआ है, देखो पट सब जगह है, पट पट पट, लेकिन पट है तो यहां छोटी ई की मात्रा, ये षटकोण वाला आधा स, और य और ती, ये वैसे ही प्रत्यय पहले से लग रहा है। तो पटिष्यति, पटिष्यत, देखो पटिष्यति, पटती, पटती, पटता, ये तो इसमें क्या होगा? पटी स य ती। तो ये लट लकार और ये रूप एक जैसा है, केवल इनके बीच में इसे शब्द लग रहा है, इसे लग रहा है, यानी छोटी ई की मात्रा लग रही है। धातु के अंतिम अक्षर में छोटी ई की मात्रा लग रही है, और आधा स और य और पीछे वाले प्रत्यय ऐसे कैसे लग रहे हैं, जो पट धातु लट लकार के रूप में लग रहे थे। पटिष्यति, पटिष्यत, पटिष्यन्ति, पटिष्यसि, पटिष्यत, पटिष्यत, पटिष्यामि, पटिष्याव, पटिष्याम। इस प्रकार ये आपके लृट लकार का रूप यहाँ समाप्त। अब देखो, जो आपने तीनों लकार याद हो गए हैं, पट धातु लट लकार का रूप और लंग लकार यानी भूतकाल का रूप, आगे जो लकार आएगा आपके, अगला जो लकार होगा नंबर 4 पर, वो होगा आपके लोट लकार होगा, लोट लकार होगा। तो उससे पूर्व अपन दोनों तीनों लकार हैं उसके बारे में थोड़ा और
जानकारी कर लेते हैं। जैसे आपट धातु का रूप लिख रहे हैं, आपने याद कर लिया, आप ऐसे लिखो सीधा एक बार अभ्यास के लिए, ऐसे पटती ही, तेज तेज पटता, पठंती, पटसी, पटथ, पठत, पठामी, पठाव, पठामा, ये आपको याद हो गया। अब ऐसे कैसे अभ्यास करना है, ये तो हो गया लट लकार का रूप, अब लंग लकार का रूप याद करना है। लंग लकार यानी भूतकाल, पट धातु के, पट धातु, लंग लकार का रूप, लंग लकार यानी भूतकाल, लंग लकार का रूप याद करना आपको। तो आपने याद कर लिया अपटत, अपटताम, अपठान, अपठ, अपटतम, अपटत, तो अपटत, अपटतम, अपटन, अपट, अपटतम, अपटत, अपठन, अपठाव, अपठाम, ये रूप आपको आपने याद कर लिया। ये हो गया आपका लंग लकार का रूप, लंग लकार यह भूत काल, और लृट लकार का रूप अभी पढ़ा है। तो पटिष्यति, पटिष्यत, पटिष्यन्ति, पटिष्यसि, पटिष्यत, पटिष्यामि। तो पट धातु लृट लकार का रूप बोलिए, पटिष्यति, पटिष्यत, पटिष्यन्ति, पटिष्यसि, पटिष्यत, पटिष्यत, पटिष्यामि, पटिष्या, पटिष्याम। आगे नंबर चार पर है वो आपके लकार आएगा लोट लकार, कौन सा लकार आएगा लोट लकार, इसे बोलते हैं आज्ञार्थ काल, क्या बोलते हैं आज्ञार्थ काल, ये लोट लकार का रूप आगे पढ़ेंगे।